डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इस्लामिक कॉलेज चिन्यूट की तरफ से तलबा की सहूलत के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है, जिसके सिलसिले में आज हम फिज़िक्स पार्ट टू चैप्टर नंबर 12 के पहले आर्टिकल कॉलम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम्स लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बाई डेफिनेशन वी सी दैट कॉलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो पॉइंट चार्जेस हैं दिस शुड बी एट रेस्ट। द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। ये जो फोर्स हम मालूम करेंगे बाय द कॉलम्स लॉ दैट इज़ ओनली फॉर द चार्जेस एट रेस्ट एंड द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। नो वी सी दैट व्हाट आर द पॉइंट चार्जेस। टू चार्जेस दैट वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दिस शुड बी द पॉइंट चार्जेस इफ़ द डायमेंशंस ऑफ द टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। दो पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे अगर उनका दरमियानी फासला उनके डायमेंशन से बहुत ज़्यादा हो। दूसरी सूरत में दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे अगर उनके डायमेंशंस, उनका साइज़ जो है वो उनके दरमियान डिस्टेंस से बहुत कम हो। मैथमेटिकली वी विल सी दैट लेट वी हैव टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ r एज शोन इन द फिगर। तो Q1 चार्ज जो है वो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा एंड Q2 चार्ज जो है वो Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। मैथमेटिकली दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एज सीन इन द इक्वेशन नंबर 1। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ऑल्सो बाय द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सो द डिस्टेंस इज r एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज r, सो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन नंबर 3। f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r². टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी वी हैव अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट दैट इज़ k एज शोन इन इक्वेशन नंबर 4। तो कॉलम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज़ f इज इक्वल टू K Q1 Q2/r². फिर k इज़ द कॉलम्स कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ डिफाइंड एज k इज इक्वल टू 1/4π ε0 और वेयर ε0 इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो बाय कॉलम्स लॉ वी हैव सीन दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज Q1 एंड Q2 इज एफ इज इक्वल टू K Q1 Q2/r². नेक्स्ट इज द कॉलम कॉन्स्टेंट। द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इन कॉलम्स एक्सप्रेशन इज इक्वल इज k एंड इट इज डिफाइंड एज 1/4π ε0 एंड इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9×10⁻¹ एंड द यूनिट्स आर न्यूटन मीटर स्केयर ओवर कॉलम स्केयर। दिस इज द कॉलम कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट फॉर फ्री स्पेस। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द फोर्सेज। एज वी नो दैट द चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो कॉलम्स फोर्स जो है दैट इज रिपल्सिव बिटवीन सिमिलर चार्जेस। लेट वी हैव
the two charges Q1 and Q2 of the same magnitude and same symbol, means both charges are positive charges. The force between them will be repulsive. The force exerted by charge Q1 on Q2 and the force exerted on charge Q1 by Q2, that will be repulsive. It means the force between two positive point charges will be repulsive. Similarly, if we have two point charges of the same kind, like both are negative, then the force will also be repulsive force. So we conclude that the force between the coulomb force between two similar charges is repulsive. Similarly, if we have the two charges of the different sign, mean one charge is positive and the other charge is negative, then the force will be attractive. This is the difference between the gravitational force and the coulomb force. Here we may see that as the gravitational force is always of the attraction, but the coulomb force may be the force of attraction or force of repulsion depending upon the sign of the charges. Next, the important one is that the vector form of Coulomb's law. As the force exerted by charge Q1 and Q2, and the force is also exerted by charge Q2 on Q1. So let we have, as shown in the figure, the two point charges Q1 and Q2. The distance, the magnitude of the distance between them is r. Now we will see the vectorical form of Coulomb's law. Let we have a force Q1 exerted by Q2, that is denoted by F21 in vector form. The force exerted by a charge Q2 on Q1 is given by F21 in vector form is equal to K. Here K is the 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12 square. The distance is small r, but we have written here the capital R, R12 square. Similarly, the force on Q2 by charge Q1 is given by F12, 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R21 square into R21 unit vector. From the figure we may see that the both charges are same, Q1 and Q2. Also, you see that the magnitude of the distance between the two charges is same. Either we consider F21 or F2. But only the difference is in the unit vector. One force is exerted on Q1 by Q2 and the other force is exerted on Q2 by Q1. As the distance is between the two point charges is same, so we may write that R12 unit vector is equal to minus R21 unit vector in vectorical form. But the magnitude of the distance between the two point charges is same. So we may write the force between the two point charges like expression F21 is equal to minus F12. That is also the form of Newton's third law of motion. So from here we may conclude that the force between two point charges is a force of action and reaction. This is all about the Coulomb's law. Inshallah, we'll